हमें इस बारे में सोचना होगा। आज देश को आजाद हुए 71 साल हो गए, लेकिन फिर भी हम संविधान बचाने की बात करते हैं। हम कहते तो हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुप्रीम लॉ इन इंडिया, लेकिन ये सुप्रीम कैसे है हमने ये कभी सोचा नहीं। हमारे देश के बहुजनों ने कभी सोचा नहीं कि सुप्रीम कैसे है, लेकिन जो दूसरी व्यवस्था थी व्यवस्था है वो इस चीज को जानते हैं, वो समझते हैं कि ये सुप्रीम है। अगर इसको बहुजन जान गया तो वो जाग जाएगा, और वो जाग जाएगा तो अपने हक अधिकारों की मांग करेगा। इसलिए साजिशों के तहत संविधान को दबाया गया, आज तक संविधान का इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और मेरे देश का बहुजन दूसरी व्यवस्था में लग गया, मनोवादियों ने उसे दूसरी व्यवस्था में लगा दिया। मेरे देश का बहुजन ये नहीं जान पाया कि आर्टिकल 330, 340, 341 और 342 में क्या है। अगर वो इस चीज को जान जाता, अगर वो इस चीज को समझ जाता तो आज स्थिति ये ना होती कि हम संविधान को बचाने की बात करते। आज हम संविधान को बचाने की बात नहीं करते, आज हम संसद में होते, हमसे साजिशों के तहत वो अधिकार छीन लिए गए। इस बात को कौन समझेगा? मेरे बहुजन भाइयों बहनों, जागो, संविधान को ढूंढो। हमें पता है कि संविधान आसानी से नहीं मिलता, और मिल भी जाता है तो आसानी से समझ में नहीं आता। मैं अपने भाई बहनों से गुजारिश करती हूँ कि संविधान की प्रतियां अपने घर में रखें, तथागत गौतम बुद्ध की बुक अपने घर में रखें, जो हमें समानता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे का संदेश देती है। संविधान एक वो डॉक्यूमेंट, एक वो लीगल डॉक्यूमेंट है जो हमें जीने के हक अधिकार सिखाता है, जो हमें बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है, जो हमें शेर की तरह धारणा सिखाता है, जो हमें जीवन का अनुसरण कैसे करना है वो बताता है। मैं अपने बहुजन भाई बहनों से ये अपील करती हूँ कि वो दूसरी व्यवस्था की ओर ना जाकर अपने संविधान की ओर ध्यान दें, और संविधान बचाओ आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा ताकतवर होकर आगे बढ़े। और भाई साहब जी के साथ LDF की मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ, डॉक्टर देसराज जी राष्ट्रीय संयोजक है और मैं LDF की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम कई वर्षों से संविधान बचाओ आंदोलन का काम कर रहे हैं, घर घरों में जाके हम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। मैं लोगों से अपील करती हूँ, अगर कोई भाई बहन ये चाहता है कि मेरे समाज में मेरी बहन आए, तो मैं कभी भी रात का दिन हो या रात हो या दिन हो, हम कभी भी इस चीज को नहीं देखते। और संविधान को लोगों को पढ़ाने की बात करते हैं, लोगों को समझाने की बात करते हैं। अगर दो भाई भी ये कहते हैं कि हमें संविधान के बारे में बताओ, तो हम उसे बताते हैं। हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 4-5 आदमी ही चाहिए जो सिर्फ निकल पड़े और अपना काम करें। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है, या भीड़ की जरूरत नहीं है, या सरकार पे दबाव बनाने के लिए जागरूक होने की जरूरत है। अब समय आ गया है, मेरा युवा भी जाग गया है। हम सरकार को आह्वान कराने देना चाहते हैं कि सर संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं चलेगी, हमें छेड़छाड़ नहीं चाहिए, हमें पूरा संविधान चाहिए। संविधान को लागू करो वरना देश खाली करो। हम इस मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। भारत देश हमारा है, हम भारतवासी हैं, हम कभी भी संविधान को छूने नहीं देंगे, पिटने नहीं देंगे, हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे चाहे जो हो जाए। इसी के साथ कहीं भी, क्योंकि बाबा साहब आपके सामने, आप शायद जानते होंगे, बाबा साहब सिर्फ अकेले थे, अकेले ही हम लोगों को, पूरे देश की जनता को, जो हम गरीब लोग हैं, जो हम नीचे, हमें नीचे जमीन पर भी ढंग से बैठने नहीं दिया जाता था, और हमसे मतलब मैला उठवाया जाता था या ये सारे काम करवाए जाते थे जबरन, तो बाबा साहब ने हम लोगों को उन चीजों से अकेले मुक्ति दिलवाई। तो क्या आप लोग जाकर अपने बच्चों को और अपने घर के सभी लोगों को, अपने रिश्तेदारों को समझा सकते हैं? आप लोग ज्यादा दूर ना जाके अपने घर और अपने रिश्तेदारों को आप समझा लेंगे तब भी अपनी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, और ये बहुत जरूरी है। हमारे लोग बाबा साहब जानते तो हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए ये किया वो किया, इतना ही जानते, लेकिन मानते नहीं दिल से, दोस्तों दिल से नहीं मानते हैं। यही कमी हमारे पास, जब हम बाबा साहब को जान जाएंगे तो हमारे मतलब सभी रास्ते खुल जाएंगे, और हम जो है आगे जाकर हर लड़ाई लड़ सकते हैं। सिर्फ आप लोग अपने अपने घर जाकर, आप लोगों से निवेदन है मेरा कि अपने अपने घर जाओ, जब यहाँ भी जो बातें सुन रहे हो,
और उससे आगे जाके आपको खुद बाबा साहब की किताब पढ़नी होगी और उनके बारे में जानना होगा और अपने रिश्तेदारों और अपने परिवार और पड़ोस पड़ोस वालों को समझाना होगा। बस इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। जय भीम महाविद्यालय बाबा साहब हमको साथियों सब कुछ देकर गए हैं, धर्म और सब कुछ देकर गए हैं, सब कुछ। एक सही तरीके से खड़े हो जाएं, जो लोग अलग से बात कर रहे हैं, जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा, आप लोगों के पास पंक्चुअलिटी नहीं होगी, संयम नहीं होगा, व्यवस्था नहीं होगी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और मैंने अच्छे अच्छे लोगों को पार्टी अपनी जगह है, समर्थन अपनी जगह है, लेकिन जो आपका ये मिशन है, आप लोग थोड़ा ध्यान से मेरी बात को ध्यान देंगे। जो आपका ये मिशन है, आपके इस मिशन के सामने जो ज्ञान ज्योति अभियान दिखाया गया, डॉक्टर अम्बेडकर क्रांतिकारी मंच लिखा गया, इधर एनडीए लिखा, इधर बुद्ध विहार पंसी आनंद पर्वत लिखा, ज्ञान निवासी विकास संस्थान था हरियाणा नई दिल्ली, जो ये संस्थान है, इन संस्थाओं को आपने छोटे मोटे में नहीं आके लिए और ये बहुत बड़ी ताकत है। इस ताकत के सामने अच्छे अच्छे लोग झुकते हैं। आप लोगों को अभी मैं बाद में बताऊंगा फिर से बात, तो जो मैं चाहूंगा मेरे भाई जगदीश चंद्रा जी अपनी बात को रखे, मैं एक शहर के माध्यम से उनको उनका संबोधन बुलाऊंगा उनको, कि अमन दिख रहा है, शमन दिख रहा है, गरीबों के तन का कफन दिख रहा है, बुरा लगना मानो तो कह के सुना दू, कमीनों के हाथों बटन दिख रहा है, बटन दिख रहा है, हम इनके बेदने देखते हैं नोट नगरों से, समझ रहे किसको कह रहा हूँ, हम इनके बेदने देखते हैं नोट नगरों से, पर इन कमीनों से हमारी झोपड़ी देखी नहीं जाती, देखी नहीं जाती। संविधान से सभी लोग जानते हैं जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उनसे समता स्वतंत्रता बंधुत्व भाईचारा समरसता तमाम सारी चीजें, धन रखने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सारे अधिकार संविधान से प्राप्त होते हैं, ना कि किसी वेपुराण से प्राप्त होते हैं। ये संविधान बचा रहेगा तो वोट का अधिकार जैसी महत्वपूर्ण चीजें, जब राजा रानी के पेट से बच्चा होता था तो बाबा साहब की देन है संविधान के माध्यम से कि राजा या बैलेट पेपर से पैदा होता है, ये संविधान की ही देन है, इसलिए संविधान सुरक्षित, देश सुरक्षित, संविधान के हित में हमारा हित है, संविधान सुरक्षित है, बहुजन समाज पूरा देश सुरक्षित है। और रही बात जो कार्यक्रम ज्ञान ज्योति अभियान के तहत और तमाम संस्थाओं के तहत जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, संविधान की पदयात्रा आपने अम्बेडकर भवन से लेकर यहाँ तक चलाया और शांतिपूर्वक चलाया, आप लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, आपने जो मिसाल पैदा की उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। और वीर शहीदों को वहीं पर डॉक्टर देशराज की तरफ से, चौधरी सहातम की तरफ से, बहन गीता रानी की तरफ से जो आह्वान किया गया था शहीदों के लिए, 2 मिनट का मौन रखवाया था, उसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को। मैं अपना सारा वक्त चौधरी सहातम को देता हूँ जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, अपने विचार रखें। अपनी बात को रखे, आप लोग क्रांति का विजन बजाया पूरे देश में, आप लोगों ने पीढ़ी को चलाया है, आप लोगों ने पीढ़ी को जलाया है, आप लोगों के साथ ही आपके छोटे छोटे भाई लोग खड़े हैं। और साथियों, मैं एक शहर के माध्यम से साहब को आमंत्रित करूंगा, खुदी को कर मिलने इतना, खुदी को कर मिलने इतना, खुदा बंदे से पूछो तेरी वजह क्या है, तेरी वजह क्या है, आए इस कार्यक्रम भारतीय संविधान को बचाने की और शहीदों को श्रद्धांजलि देने की मुख्य अतिथि मेरे वही भाई सहातम चौधरी जी, आप हमारे मार्गदर्शक हैं और आप इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट भी हैं, आप आए विस्तार से अपनी बात को रखें। आप लोग जोरदार एक नारा लगाए बाबा साहब का।
डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, जब तक सूरज ताज रहेगा संविधान को छेड़ने वाले सावधान, संविधान को छेड़